हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एम डेटा फिनोवेटिस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा वीलुकअप फॉर्मूला के बारे में कि वो वीलुकअप फॉर्मूला होता क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है। वीलुकअप की कुछ लिमिटेशन होती है जिनको दूर करने के लिए हमने खुद का एक फॉर्मूला डिजाइन किया एक्सेल के अंदर, जो आपकी वीलुकअप की सारी लिमिटेशन को दूर करता है। तो गाइस, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि उस फॉर्मूले को आप कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा, वो फॉर्मूले को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि हमने वो फॉर्मूला डिजाइन किया है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वीलुकअप फॉर्मूला होता क्या है, उसको हम यूज क्यों करते हैं एंड कैसे उसको हम यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सैंपल डेटा लिया है। तो इस डेटा के अंदर हमने कुछ फील्ड्स लिए हैं, जैसे कि आपकी डेट, कैटेगरी, सेगमेंट, सिटी, स्टेट, सेल प्राइस। तो ये कुछ बेस डेटा है जो हमने लिया हुआ है। आप ये समझिए वीलुकअप होता क्या है। वीलुकअप सिंपल लेमेन टर्म में अगर मैं बात करता हूँ आपको, कि इस मेन डेटा या बेस डेटा के अंदर किसी एक रेफरेंस के थ्रू मुझे किसी कॉलम से कोई डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस कंप्लीट डेटा के अंदर एक कैटेगरी है मेरा फोन्स, उस फोन का मुझे ये बताइए कि वो फोन का स्टेट कौन सा है। तो सिंपल इस डेटा में हम जाएंगे, इस डेटा के अंदर कैटेगरी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसमें देखेंगे हम कि फोन कहाँ आता है। फोन यहाँ पर आता है, इसके रेफरेंस में इसके सामने मेरे को स्टेट चाहिए, तो स्टेट मेरे को हो गया फ्लोरिडा। तो यही काम वीलुकअप फॉर्मूले के थ्रू करता है। जो अभी हमने मैनुअली किया वही काम वीलुकअप फॉर्मूले के थ्रू करता है। तो मैं आपको बताता हूँ वीलुकअप फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये बेस डेटा है हमारा एंड ये कुछ कैटेगरीज हमने निकाली है। अब इन कैटेगरीज के रेफरेंस पे, जो कैटेगरीज हमारे पास, इन कैटेगरीज के रेफरेंस पे हमें स्टेट को एक्सट्रैक्ट करना है इस टेबल से। ये होता है वीलुकअप का काम, कि किसी के रेफरेंस पे उस रेफरेंस के थ्रू टेबल के अंदर जाएगा, उस टेबल के अंदर जाके वो रेफरेंस के थ्रू उस वैल्यू को पिक करेगा एंड यहाँ पर वैल्यू को लेके आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीलुकअप फॉर्मूला। तो इक्वल्स टू वीलुकअप, सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वीलुकअप के अंदर वो होता है लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है रेफरेंस वैल्यू, किस वैल्यू के रेफरेंस के थ्रू आप इस टेबल के अंदर घुसेंगे। वो रेफरेंस है मेरा कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी के बेस पे मुझे स्टेट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने कैटेगरी की वैल्यू को सिलेक्ट किया क्योंकि ये मेरा लुकअप वैल्यू है जिसके रेफरेंस में मेरे को इस टेबल के अंदर जाना है, कॉमा। अब देखिए बात आती है टेबल एरे। सो टेबल एरे का मतलब आप ये रेफरेंस जो आप चेक करना चाह रहे हैं, ये आपका टेबल कहाँ है, किस टेबल में से आप रेफरेंस को चेक करेंगे। अब देखिए, देखा जाए तो ये मेरी कंप्लीट टेबल है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि वीलुकअप की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उनमें से एक लिमिटेशन ये होती है आपकी, कि जो आपकी कैटेगरी है, जो हमारा रेफरेंस है, हमारा रेफरेंस है कैटेगरी कॉलम। सो कैटेगरी कॉलम से ही आपका टेबल स्टार्ट होना चाहिए। जो सिलेक्शन, जो टेबल हम सिलेक्ट करेंगे, वो टेबल आपके कैटेगरी फील्ड से स्टार्ट होना चाहिए, वो आप डेट से या सेगमेंट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये पहला लिमिटेशन होता है कि जो भी रेफरेंस है आपका, वहां से आपका टेबल स्टार्ट होना चाहिए। एंड इसका एक लिमिटेशन ये भी होता है कि देखिए, अगर आप कैटेगरी के लिए स्टेट सर्च कर रहे हैं, तो कैटेगरी का कॉलम हमेशा स्टेट कॉलम के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में, नेक्स्ट टू द लेफ्ट नहीं, उससे दो तीन चार कॉलम, कितना भी कॉलम पहले हो सकता है, बट यस, उसके राइट हैंड साइड ना हो। इसका मतलब कैटेगरी स्टेट के राइट हैंड साइड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो डेटा को कैप्चर नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब बात आती है मेरे को टेबल कितना, ये जो टेबल मेरे को सिलेक्ट करना है, टेबल कितना सिलेक्ट करना है। अब देखिए, मेरे को कैटेगरी के लिए स्टेट चाहिए, राइट। तो ये दो फील्ड्स तो आपकी कंपल्सरी है कि डेटा के अंदर ये दो फील्ड्स तो होनी चाहिए। जिस रेफरेंस के लिए जिस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, वो फील्ड आपके डेटा के अंदर होनी चाहिए। बाकी आप कितना भी टेबल आप सिलेक्ट कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कॉमन, ये आपका टेबल तो होना चाहिए, इसके बाद आप इसको कितना भी बड़ा ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जितना टेबल का आप इंक्रीज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट यस, मैं इसको यहां तक रखता हूं। उसके बाद आपको अपने टेबल को फ्रीज करना है, उसके लिए आपको F4 प्रेस करना है। फ्रीजिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यस, फ्रीजिंग के लिए आपको F4 बटन प्रेस करना है, देन कॉमा। नेक्स्ट रेफरेंस होता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। सो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, कैटेगरी के लिए मुझे स्टेट चाहिए, राइट। तो मेन डेटा के अंदर कैटेगरी से स्टेट तक टोटल कितने कॉलम्स होते हैं। अब ये है मेरी टेबल जो हमने सिलेक्ट किया, राइट। तो इस टेबल के अंदर कैटेगरी कॉलम से लेके स्टेट कॉलम तक हमें काउंट करना है टोटल कितने कॉलम्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो टोटल हमारे पास चार कॉलम्स। तो हमने कॉमा 4 कॉमा। अब यहाँ पर दो चीजें होती है हमें, कि हमारे को अप्रोक्सीमेट सिलेक्ट करना है या फिर एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग चाहते हैं कि अप्लायंसेस के लिए एग्जैक्टली वही स्टेट आना चाहिए जो उसके स्टेट है। तो यहाँ पर अभी हम यूज करेंगे एग्जैक्ट मैच, जिसके लिए आप चाहे फॉल्स भी लिख सकते हैं या फिर आप जीरो भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। एंड जैसे आप इसको एंटर करेंगे,
एंड इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करके नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। सिंपल एक फॉर्मूले के थ्रू आपने कितनी भी कैटेगरीज होंगी उन कैटेगरीज के आपने स्टेट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप देखिए, आप अप्लायंसेस की मैं बात करता हूँ तो अप्लायंसेस के लिए मेरे पास जो स्टेट है वो वॉशिंगटन एंड वही वैल्यू मेरे को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। फोन्स की बात करता हूँ तो ऊपर से आप चलेंगे तो फोन का स्टेट आपका फ्लोरिडा, वही आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक लिमिटेशन और होता है आपका वीलुकअप का, वो लिमिटेशन ये होती है। अब देखिए, इस डेटा के अंदर अगर मैं बात करता हूँ बाइंडर्स का, तो बाइंडर्स मेरे पास टोटल 1, 2, 3 टोटल हमारे पास 3 बाइंडर्स है, बट इसके अंदर जो डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है वो फर्स्ट बाइंडर का निकल के आ रहा है। बाइंडर देखिए, मेरे पास नॉर्थ कैरोलिना में भी है, बाइंडर्स मेरे पास टेक्सास में भी है एंड उता में भी है, बट यस, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है आपका बाइंडर्स के लिए वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना निकल के आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना सबसे पहले आता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि अगर आपके पास यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो भी आपका जो वीलुकअप का फॉर्मूला है वो हमेशा सबसे पहली वाली वैल्यू को ही एक्सट्रैक्ट करके देगा। इसी लिमिटेशन को कैसे दूर करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये हो गया आपका वीलुकअप फॉर्मूला, कैसे आपको यूज करना होता है। इसी का ही दूसरा यूज मैं बताता हूं आपको सेकंड कंडीशन में। इस कंडीशन में हमने सेम डेट लिया है आपका, कैटेगरीज एंड सेल्स प्राइस। यहां पर हमें कैलकुलेट करना है कमीशन एंड कमीशन के स्लैब, ये हमारे पास यहां गिवन है। अब यहाँ पर कमीशन का स्लैब क्या गिवन है, हम बात करते हैं सेल्स, ये सेल्स है आपके, इन सेल्स पे बेसिस पे हमें परसेंटेज मिलता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपकी सेल्स 0 और 2000 के बीच में है तो आपको 5% सेल मिलेगा, 5% आपको कमीशन मिलेगा। 2000 से 4000 के बीच में आपकी सेल हुई तो आपको 10% कमीशन, 4 से 6000 के बीच में आपने सेल्स किया तो 15%, 6 से 8 20, तो 14 से 16000 के बीच में आपको 40%, एंड 16000 से ऊपर जो भी सेल आप करेंगे उसमें आपको 45% कमीशन मिलेगा। तो ये आपकी टैक्स स्लैब है। तो गाइस देखिए, यहां पर हम इसको यूज करने वाले हैं वीलुकअप के थ्रू। इसका मतलब जो सेल प्राइस हमारे पास यहाँ गिवन है, इन सेल्स प्राइस के बेसिस पे ये कमीशन मुझे यहां से एक्सट्रैक्ट करके यहां लेके आना है, जो कि हम यूज करेंगे वीलुकअप के थ्रू। एक चीज यहां पर, आप वीलुक यहां पर आप इफ का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि वीलुकअप इफ का फॉर्मूला कैसे यूज होता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो हमारे देख सकते हैं जहां पर हमने बताया आपको कि सिंपल इफ एंड नेस्टेड इफ आप कैसे यूज कर सकते हैं। बट यस, द पॉइंट इज, यहां देखिए हमारे पास टोटल 9 क्राइटेरिया है। अगर आपको इफ यहां पर आप यूज करेंगे इफ, तो आपको यहां पर अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 इफ यूज करने पड़ेंगे। तो 8 से 9 बार इफ यूज करना इज लाइक बिट कॉम्प्लेक्स, उसकी जगह हम सिंपल एक वीलुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो अब तक तो आपने यही देखा था कि वीलुकअप हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू होती है। कहने का मतलब, यहाँ पर हमारे पास सेल प्राइस 3820 एंड इस टेबल के अंदर आपको कहीं भी 3820 वैल्यू नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू बिलोंग करती है आपकी इस रेंज के बीच में। तो इसी चीज को हम वीलुकअप के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यूज करता हूँ वीलुकअप, लुकअप वैल्यू कि किस वैल्यू के लिए मुझे सर्च करना है, ये मेरा लुकअप रेफरेंस हो गया। टेबल, ये कंप्लीट मेरी टेबल हो गई एंड टेबल को हम फ्रीज करेंगे F4 कॉमा। अब देखिए, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और 2, क्योंकि हमें सेल प्राइस के बीच में बेसिस पे कमीशन चाहिए, तो सेल प्राइस एंड कमीशन दो ही कॉलम्स हैं, तो मेरे पास कॉलम रेफरेंस नंबर हो गया मेरे पास 2 कॉमा। कैसे कि अब यहां पर मुझे एग्जैक्ट मैच यूज नहीं करना है, हमें यहां पर यूज करना आपको अप्रोक्सीमेट मैच। क्यों? क्योंकि जो यहां पर वैल्यू है 3820 वो आपको एग्जैक्टली यहां कहीं नहीं मिलेगी। हमें क्या चाहिए? हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, इसलिए आपको यूज करना है अप्रोक्सीमेट मैच या फिर 1, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं एंड क्लोज द ब्रैकेट एंटर। इसी फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग करता हूं। अब देखिए, 3820 पे आपको 10% कमीशन मिल रहा है, सो 3820 आपको आता है इसके बीच में, जैसे हमने बताया था 0-2000 के बीच में आपको 5% कमीशन मिलता है, 2000 से 4000 के बीच में आपको 10%, तो ये वैल्यू आपकी 2000 से 4000 के बीच में आती है, जिसलिए आपको 10% कमीशन मिल रहा है। कोई वैल्यू और अदर वैल्यू पिक करते हैं हम लोग, जैसे ये 7640 आपका आता है इस रेंज में, तो 6 से 8 के बीच में, इसलिए आपको 20% कमीशन मिल रहा है। तो गाइस, ये होता है वीलुकअप का फॉर्मूला, जहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच को कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस के बेसिस पे। तो गाइस, अब चलते हैं अपने लास्ट कंडीशन पे। लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, यहां पर मेरे पास, पहले हम बात करें सेकंड क्वेश्चन पे, यहां पर मेरे पास एक सिटी है कॉनकॉर्ड, ये सिटी का कॉलम हो गया मेरा। इस कॉलम के रेफरेंस पे मुझे कैटेगरी, इस कॉलम से ये एक्सट्रैक्ट करना है कि इस सिटी का स्पेसिफिकली कैटेगरी कौन सी है।
अब गाइस देखिए यहाँ पर एक लिमिटेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है, जैसे मेरा रेफरेंस है सिटी, यहाँ पर अगर आपको सिटी निकालना है तो सिटी हमेशा कैटेगरी के लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, बट यहाँ पर जो सिटी है वो कैटेगरी के राइट हैंड साइड है, इसलिए व्यू लुकअप यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेशन है जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए जो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला था कि जो नया फॉर्मूला हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, उस फॉर्मूले का नाम है एम लुकअप। ये फॉर्मूला हमने खुद से डिजाइन किया है, ये फॉर्मूला आपको एक्सेल फाइल में कहीं भी नहीं मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस फॉर्मूले को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करें उसके बाद आप जाइए फाइल पे, आपको जाना है ऑप्शन पे एंड आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर एडिंस। एडिंस में जाने के बाद आपको जाना है, आपको सिलेक्ट करना है एक्सेल एडिंस एंड आपको सिलेक्ट करना है गो। उसके बाद आपको यहाँ ब्राउज पे जाना है एंड जो जो फाइल अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से जो मिलेगी फाइल, वो फाइल आपको सर्च करने कहाँ पे रखा हुआ है उस फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे एंड आप क्लिक करेंगे ओके। एंड जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए वो फॉर्मूला आपको वो फाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी एंड आपको प्रेस करना है ओके बटन पे। तो इसका मतलब वो जो फॉर्मूला आपने हमने जो डिजाइन किया वो फॉर्मूला आपके सिस्टम में आपके एक्सेल फाइल में इंस्टॉल हो चुका है। अब उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए जैसे आप टाइप करेंगे इक्वल्स टू एम लुकअप, तो देखिए अब आपके पास एक फॉर्मूला आ रहा है एम लुकअप। ये पहले अगर आप इसको इंस्टॉल करने से पहले आप सर्च करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला नहीं दिखाई देगा। ओके तो गाइस जैसे आपके पैरामीटर्स होते हैं वी लुकअप में, उसी तरीके से एम लुकअप में आपके पैरामीटर्स होते हैं। इस होता है वो होता है लुकअप वैल्यू, किसका मतलब कि रेफरेंस क्या है आपको, किस वैल्यू के रेफरेंस के लिए आपको वैल्यू सर्च करनी है। तो जैसे यहाँ पर मुझे सिटी के लिए वैल्यू सर्च करना है यहाँ पर कैटेगरी, तो मैंने कॉनकॉर्ड को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब आपका कौन सा कॉलम है जिसके अंदर आपको ये कॉनकॉर्ड सिटी मिलेगा, तो आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ ये कॉलम, आपको पूरी टेबल नहीं सिलेक्ट करना है, आपको सिर्फ वो कॉलम सिलेक्ट करना है जिस कॉलम के अंदर आपको ये सिटी फाइंड अप करेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये सिटी को हमें सर्च करना है इस कॉलम के अंदर। नेक्स्ट पैरामीटर आता है आपका कि आपको वैल्यू रिटर्न में क्या चाहिए, मुझे वैल्यू रिटर्न में चाहिए कैटेगरी, तो आप सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी कॉलम को एंड ब्रैकेट क्लोज। मैं ध्यान से अगर मैं दोबारा बताऊं आपको, तो तीन पैरामीटर हमने लिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट पैरामीटर आपका सिटी कि किस सिटी के लिए आपको कैटेगरी फाइंड करना है, जो रेफरेंस है आपका वो रेफरेंस सेलेक्ट किया। फिर नेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया वो रेंज जिसके अंदर हमें सिटी मिलेगी, जो कि आपका ये कॉलम। उसके बाद हमने सर्च, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया है लास्ट में ऑप्शन में कि आपको रिटर्न में क्या चाहिए, हमें रिटर्न में क्या चाहिए कैटेगरी, तो हमने कैटेगरी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया एंड आपको प्रेस करना है एंटर। एंड जैसे आप प्रेस करेंगे एंटर, अब देखिए कॉनकॉर्ड आपके पास कॉनकॉर्ड कहाँ आता है, ये कॉनकॉर्ड में आपके पास बाइंडर्स, सो बाइंडर्स का ऑप्शन आपके पास आपको आउटपुट मिल रहा है। अगर यहाँ से ड्रॉप डाउन से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए आप सैन फ्रांसिस्को सिलेक्ट करते हैं, सो सैन फ्रांसिस्को के लिए आपके पास अप्लायंसेज अप्लायंसेज, और कोई आप चेक करना चाहते हैं आप लेट्स सपोज ओरम के लिए, तो ओरम के लिए बाइंडर्स, ओरम के लिए यू हैव बाइंडर्स। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब एम लुकअप के थ्रू आपके कॉलम चाहे कहीं भी हो, आगे पीछे कितना दूर कहीं भी कुछ भी हो सकता है, आपको सिंपल तीन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप अपनी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो, इसी के अंदर मैं आपको दूसरा सिनेरियो बताता हूं। मेरे पास एक कैटेगरी है बाइंडर्स। अब जैसे अगर इस डेटा के अंदर देखेंगे, मैं हाईलाइट कर लेता हूं, बाइंडर्स मेरे पास एक दो तीन, मेरे पास टोटल तीन बाइंडर्स है, राइट। मैं इस डेटा को हाईलाइट कर लेता हूं। अब यहां पर मेरे पास ऑप्शन है लेटेस्ट सेल प्राइस। अब देखिए बाइंडर्स मेरे पास तीन बार आया हुआ है, लेकिन मुझे ये फाइंड करना है कि मेरे पास लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। लेटेस्ट का मतलब आप अगर डेट वाइज जाएंगे, अगर जो सबसे लास्ट में डेट है ये मेरा लेटेस्ट हो गया, तो मैं चाहता हूं मेरे पास बाइंडर्स में सबसे जो सबसे नीचे की वैल्यू है, इसका मतलब देखिए बाइंडर्स मेरे पास एक दो तीन बार रिपीट हो रहा है, तो जो थर्ड टाइम रिपीट हुआ है, जो थर्ड टाइम मेरा बाइंडर्स आया होगा, मुझे वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूं आपको। तो अगेन यहां पर हम यूज करेंगे एम लुकअप। तो एम लुकअप में ये आपका हो गया रेफरेंस कॉमा। अब बाइंडर्स कहाँ मिलेगा हमें, बाइंडर्स मिलेगा हमें इस कॉलम के अंदर कॉमा। अब हमें चाहिए क्या, सेल प्राइस, आपको सिलेक्ट करना है सेल प्राइस वाला कॉलम। देखिए अगर आप इसमें कोई और पैरामीटर नहीं देते, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो क्या होगा, ये हमेशा आपको जो पहला वैल्यू है, जब भी आपको पहला बाइंडर जहां भी मिलेगा वो वैल्यू को आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। इसी के अंदर अगर मैं इसको एडिट करता हूँ लास्ट में, अगर मैं यहाँ पर एक पैरामीटर एड करता हूँ जो बेसिकली होता है पोजिशन, बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट पोजीशन आपको पिक करके देता है, लेकिन आपने मान लीजिए यहाँ पर वन डालते हैं, तो ऑब्वियसली वन आपका फर्स्ट पोजीशन निकाल के देगा। फर्स्ट पोजीशन का मतलब है कि बाइंडर्स इस रेंज में जब भी सबसे पहले आए वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके देगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट वैल्यू को नहीं, आप सेकंड वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपने डालेंगे टू। सो टू में आपको कौन सी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके आएगी, ये वाली।
इस वाली रेंज में सेकंड टाइम बैंडर कहां मिलता है आपको, यहां पर, एंड वहां पर आपकी वैल्यू एक्सटेंड हो जाएगी 3780। एंड इसी को आप अगर डालेंगे यहां पर 3, तो आपको वैल्यू निकल के आएगी ये वाली, विच इज 1140, एंड सेम वैल्यू आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से लास्ट में आप रेफरेंस डाल के बेसिकली पोजिशन आप डाल सकते हैं कि कौन सी पोजिशन वाला बाइंडर चाहिए आपको, फर्स्ट पोजिशन वाला, सेकेंड या थर्ड पोजिशन वाला। ओके, अब गाइस यहां पर एक चीज मैं इसको थोड़ा डायनामिक बनाने का कोशिश करता हूं। अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास मल्टीपल बाइंडर्स हैं, मैं कहता हूं मेरे पास बाइंडर्स, एक वैल्यू मेरे पास यहां भी आ गया, ये भी मेरा बाइंडर्स है, राइट, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। इसलिए अब मेरा ये थर्ड बाइंडर ये हो गया, इसलिए मुझे वैल्यू आ रही 7640, सेम वैल्यू मुझे यहां रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट अब मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरे इस कॉलम के अंदर टोटल कितने बाइंडर्स हैं, तो मैं एक फॉर्मूला इस तरीके से डालना चाहता हूं कि इसके अंदर चाहे कितने भी बाइंडर्स हो, जो बाइंडर सबसे नीचे आ रहा है वो वैल्यू को मुझे निकाल के दे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां आपने 3 लिखा है उसको थोड़ा डायनामिक बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला काउंट इफ, काउंट इफ मोस्ट प्रोबेबली मेबी आई थिंक आप लोगों को आता होगा। सो काउंट इफ मैं क्या कहता हूं, ये रेंज जिसके अंदर हम वो कैटेगरी सर्च कर रहे हैं, कॉमा ये कैटेगरी, तो इस काउंट इफ के थ्रू क्या होगा, ये चेक करेगा कि ये बाइंडर्स हमारा इस रेंज में कितनी बार आ रहा है। अब यहाँ पर बाइंडर्स 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा आपका 4 वैल्यू, एंड जैसे यहाँ पर 4 वैल्यू रिटर्न होगा, एंड लुकअप के थ्रू वैल्यू आपको एक्जैक्टली जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 1140। अगर मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, अब देखिए आपके पास वैल्यू आ गई 1140। तो इस तरीके से आप एम लुकअप के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो गाइस जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो ज्यादा ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें और ज्यादा ज्यादा मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। गाइस हमने ये भी डिसाइड किया है कि टाइम टू टाइम हम इस तरह की चीजें करेंगे, या फिर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि किसी फॉर्मुलेस में आपको कुछ लिमिटेशंस मिलती है, आप सोचते हैं कि ये इन फॉर्मुलेस में हमें कुछ लिमिटेशंस है, तो उन फॉर्मुलेस को आप डिस्कस कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हो सकता है उन फॉर्मुलेस को भी हम कुछ अपग्रेड करके कुछ नया लेके आए जो कि आपको हेल्पफुल हो। तो गाइस प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।